हमीरपुर में बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक घनश्याम, हमीरपुर जिला संयोजक पुरुषोत्तम ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धूमल ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि आज की सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज की प्रदेश सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। 4.5 सालों में स्कूलों के बच्चों को वर्दी तक नहीं मिल सकी है। कर्मचारियों को 4/9/14 का ठीक से लाभ नहीं मिला। पेंशनरों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। धूमल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में आज हालात खराब हो रहे हैं और सभी अधिकारी भी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते आगामी कर्मचारियों को कोई भी सरकार पेंशन और लाभ नहीं दे पाएगी। समाधान करने का प्रयास किया है। आज की वर्तमान सरकार से कौन सा वर्ग खुश है? स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर पेंशनर जैसा सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, स्कूल का बच्चा पढ़ रहा उसको वर्दी नहीं मिली। जैसे किसी के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या 4.5 साल में 9 वर्दियां मिली है? नहीं मिली ना। सरकार ने कहा 100 रुपया सिलाई का हर बार देना हमारे लिए संभव नहीं है, वर्दी के पैसे, सिलाई के पैसे नहीं। कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी पर रूसा लगा दिया। 6ठे सेमेस्टर के पेपर हो गए, पहले का रिजल्ट नहीं आया। हमने कहा है टेंशन केवल विद्यार्थी की नहीं होती, माँ बाप की भी टेंशन होती है। जब कमरे ही नहीं है, जब स्टाफ ही नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाएगा कौन? हमने कहा जब तक प्रॉपर प्रबंध नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही रूसा खत्म कर दिया जाएगा और तब तक मिलेगा लेकर जाएगा तक सुविधा न हो, और वो भी क्या हालात होंगे। आज बड़े सीनियर अधिकारी आकर मिलकर कह रहे हैं कि प्रदेश का बेड़ा ऐसा गर्क हो गया है कि आने वाली कोई सरकार हो पेंशन और वेतन देना भी संभव नहीं होगा, विकास तो भूल जाओ। तो इस करके कर्मचारी नाराज, पेंशन नाराज, डीए की किस्त के लिए त्रस्त हो। अभी घोषणा हुई 15 अगस्त को कि सितंबर पेड इन अक्टूबर में डीए मिलेगा, और 10 महीने के बाद अब सेंटर ने तो कल और अनाउंस कर दिया। हमारे अनुराग फैजल यहाँ कल दिल्ली में बैठा और दिल्ली में बैठ करके अभी 2850 करोड़ रुपया उन्होंने हमीरपुर रेल लाइन पहुंचाने के लिए दिया। भगवान करे आप सब लोग उस दंडरात्रि रेल को हमीरपुर आते देखें, और मुझे लगता है 2-5-7 साल में ये बन के लाइन तैयार होगी और हम जरूर इसमें सफर करेंगे। एक साथी मेरा कह रहा था तो दिल्ली बसा जा दिया, 10 में दिल्ली जा सकते हैं। तो कोई ये आपको निजात दिलाई, आज हमीरपुर आपके पास, यहाँ हमीरपुर में हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हमीरपुर प्रॉपर हमीरपुर में 2-3 कॉलेज बीएड के खोल के दिए, आपके दुर्गारी में बीएड का कॉलेज खोल करके दिए, आपके आस पड़ोस में। लोग कहते हैं हमें क्या फायदा है इसका? कभी आपने सोचा एक बच्चा बीएड करने के लिए जब श्रीनगर जाएगा क्या माँ बाप को रात को आज के जमाने में नींद आएगी? माँ बाप सोते हैं कहीं गोली न लग जाए, कोई उग्रवादी उसे मार न दे, उसके लिए खर्चा कितना होगा, कितनी उसकी असुरक्षा की भावना परिवार और बच्चे पर हो।